हेलो दोस्तों, आरुष लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि माता पिता की ऐसी कौन सी गलती होती है जो बच्चे के जीवन को हमेशा के लिए ख़राब कर सकती है। तो ये आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर हमें सावधान हो जाना चाहिए। अगर हम इसमें से कोई भी गलती करते हैं तो हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तभी से उसका कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो ये कंपैरिजन जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स ही करें, क्योंकि पेरेंट्स के साथ साथ जो घर के जो अदर मेंबर्स होते हैं, दादा दादी, नाना नानी या बुआ चाचा, जो भी घर के मेंबर्स होते हैं, वह बच्चों के जो कंपैरिजन होता है वो और बच्चों से करना शुरू कर देते हैं। वह बिल्कुल गलत होता है। इससे क्या होता है कि बच्चों के मन में भाई बहनों के प्रति या कोई और है उसके प्रति बीच कंपटीशन वाली फीलिंग आती है। मेंबर्स ज़्यादातर ये बोलते हैं उसका बेटा या बेटी तो ये काम करता है, हमारा बच्चा ये काम क्यों नहीं करता है। तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इससे बच्चों के मन में कंपटीशन वाली फीलिंग आती है और बच्चा ये सोचने लग जाता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो घर में बाकी लोग जो दादा दादी हैं, बुआ हैं या कोई भी है, ये मुझे कंपेयर करेगा। इसी उलझन में बच्चे का सारा बचपन बेकार चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो भाई बहन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जो प्यार होता है, वह सारी फीलिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अगर हम बच्चों को कंपटीशन करेंगे कि देखो तुम्हारी दीदी ने या भाई ने ये काम किया, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तो उससे क्या है कि मन में कंपटीशन वाली फीलिंग आती है, जेलिसी आ जाती है। अगर बच्चा अदर बच्चों से आगे निकल जाता है तो ठीक है, अगर वह नहीं निकल पाता तो उससे क्या होता है कि बच्चों के मन में फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन से क्या है, बच्चों की जो फ्रस्ट्रेशन से क्या होता है कि जब बच्चा कोई एक्टिविटी करता है तो ये फ्रस्ट्रेशन उसको दिखने लग जाता है, उसके एक्टिविटी में, उसके शब्दों के थ्रू बच्चा ऐसे जाहिर करता है। वह या तो दूसरे बच्चों को भला बुरा बोलेगा या उनको मारपीट करना शुरू कर देगा, या ऐसा भी हो सकता है बच्चा हमारा वायलेंस भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम बच्चे का जो फ्यूचर है वह ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि छोटे से ही मन में अगर हम जो बात बच्चों के मन में डाल देंगे, वह बड़ा होकर वही बात बच्चों को आगे चलकर और बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देगी। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स बचपन से ही बच्चों के मन में ये प्रोग्रामिंग फिट कर देते हैं कि आपको इससे ज़्यादा बड़ा बनना है या नंबर लाना है। अगर घर में दो भाई हैं, उनके आपस उनके बच्चे हैं, तो उन बच्चों में ही आपस में कंपटीशन कर देते हैं कि आपको चाचा या जो ताऊ जी हैं या बुआ हैं, जो भी हैं, उनके बच्चों से आपको ज़्यादा बढ़कर करना है। तो ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी भूल होती है, बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर करना। घर, स्कूल या फिर जहाँ भी जाता है वहाँ कंपैरिजन करना पड़ता है। बच्चे को हर किसी को अपने कॉम्पिटिटर की तरह ही बच्चे को देखना पड़ता है। जैसे बच्चे के नंबर कम आए हैं तो उसके लिए बोलना, पर ये बोलना कि दूसरे बच्चों के नंबर ज़्यादा क्यों हैं, यह हमें नहीं करना चाहिए। बच्चे को एनकरेज करना चाहिए कि कोई बात नहीं, इस टाइम अगर आपके नंबर कम है तो नेक्स्ट टाइम आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपके नंबर भी ज़्यादा आएंगे। तो इससे बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और बच्चा काफ़ी वायलेंट हो जाता है। हमारा बच्चा शुरुआत में बहुत अच्छा था, सीधा था। हम कहते हैं कि जैसे हमारा बच्चा पहले तो बहुत अच्छा था, अब तो काफ़ी गुमसुम रहने लगा है, या बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है। तो बच्चे में जो ये एकदम से जो चेंजेस होते हैं, वो उसका कारण कहीं ना कहीं हम लोग भी होते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम तो नहीं हैं इस चीज़ों का कारण। तो इन चीज़ों को हमें दूर करना चाहिए। अगर ये फ्रस्ट्रेशन नहीं निकल पाती है तो बच्चा डिप्रेशन में भी चला जाता है, वह गुमसुम रहने लगता है। ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि वह अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से ना करें, और ना ही किसी और को करने दें। घर में अगर कोई और मेंबर बच्चे का कंपैरिजन कर रहा है तो उसको भी ना करने दें, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है, डिफरेंट ही उसकी क्वालिटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा ये काम कर रहा है तो हमारे बच्चों को भी यह काम आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है जो काम आपका बच्चा कर सकता है वह काम कोई और नहीं कर सकता। तो सभी की क्वालिटीज़ अलग होती हैं, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पेरेंट्स को भूलकर भी यह काम नहीं करने चाहिए जिससे हमारा बच्चा डिप्रेशन में जाए। जैसे अपनी इच्छा बच्चों पर थोपना, हमें अपनी इच्छा को बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए। बच्चे की इच्छा क्या है, बिना किसी जाने हम अपनी इच्छा अगर बच्चे पर थोप देंगे तो बच्चे अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। बच्चे की क्या इच्छा है, क्या सपना है, अगर बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है या कोई अदर एक्टिविटी में जाना चाहता है, तो उसकी इच्छा को हम समझें और उसका सम्मान करें। अगर हम उसमें आगे एनकरेज करेंगे तो बच्चा काफ़ी
सक्सेसफुल भी रहेगा। और अगर हम अपने हिसाब से बच्चे को बनाना चाहेंगे कि नहीं आपको ये काम करना है, तो बच्चा उसमें मन लगाकर नहीं करेगा और वह उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दूसरे बच्चों से तुलना करना तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ होती है। इससे बच्चों पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। छोटे बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है शुरुआत में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर शुरुआत से ही हम उसके मन में ये सारी चीज़ें डाल देंगे तो उसके मेंटल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मारना पीटना ये भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम बच्चों को मार पीट कर कोई भी चीज़ समझाएंगे कि देखो उसने ये किया, उसके बच्चे ने ये किया, वह इतने नंबर लेके आया, मार पीट कर अगर हम उसे ये करेंगे तुम्हें भी इतने नंबर लाने पड़ेंगे, हम आपको तुम्हें इतना मारेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इससे कुछ भी असर नहीं होना होगा और बच्चा और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। आलोचना करना या बुराई करना, बच्चों की आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए। कुछ पेरेंट्स जाने अनजाने ये कर देते हैं, जैसे अपने बच्चों के केवल बुराइयां ही करते हैं। जैसे मान लो घर में कोई मेहमान आया, कोई पड़ोसी है, तो बच्चों की बैड हैबिट को बताने लग जाते हैं, जाने अनजाने करते हैं। क्योंकि बच्चों की जो गलतियाँ हैं वह कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि हम अपने बच्चे को बाहर वालों के सामने बुरा पेश करें, पर जाने अनजाने अगर हमसे ये गलती हो रही है तो इस गलती पर हमें तुरंत स्टॉप लगाना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चों के मन में बुरा इफेक्ट पड़ता है और बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो कम होना शुरू हो जाता है। बच्चों को गलती पर अगर कोई गलती बच्चे ने की है तो सबके सामने डांटने की बजाय उसे अकेले में ले जाएं, पहले समझने की कोशिश करें कि बच्चे ने क्यों किया है, तभी हम उसको डांटें। बच्चों की तुलना क्यों नहीं है, क्यों नहीं हमें करनी चाहिए दूसरों से, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, ये इसके बारे में बताऊँगी। तो जेलसी, बच्चों के मन में जेलसी वाली फीलिंग आ जाती है। अगर हम तुलना करेंगे बच्चे को दूसरे से कंपैरिजन करेंगे तो बच्चा उस दूसरे इंसान से जलने लग जाएगा और उस दूसरे में और हमारे बच्चे में जो बॉन्डिंग है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी, जो ये बच्चे के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नए काम को सीखने का उसका मन भी नहीं करेगा और वह डरेगा, उसके अंदर निगेटिविटी आ जाएगी। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करते रहेंगे, बच्चे को डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो बच्चा कोई नया काम शुरू करने से पहले डरेगा कि कहीं ये काम ख़राब हुआ तो मेरे पेरेंट्स मुझे मारेंगे, तो उसका बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वह कम हो जाएगा और उसके अंदर निगेटिविटी आ जाएगी। मेंटली वीक, बच्चे मेंटली वीक होना शुरू हो जाएगा। बच्चे का जो शुरुआत का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वह बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत नींव होती है। अगर हम शुरुआत में ही उसका मेंटल डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पाएगा तो पूरे टाइम बच्चा हमेशा ऐसा ही वीक रहेगा, तो इस चीज़ पे हमें ध्यान रखनी चाहिए, सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, तुलना करने से क्या है कि बच्चे और आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग जो होती है वह ख़त्म हो जाएगी। आपके रिश्ते की जो बॉन्डिंग होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। बच्चा अपने मन में यह सोच लेगा कि मैं तो कितना भी अच्छा काम कर लूँ फिर भी मेरे पेरेंट्स या जो मेरे घर के मेंबर्स हैं वह मेरा कंपैरिजन दूसरों से करना नहीं मानेंगे, तो बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। डिप्रेशन, बच्चे पर अगर हम ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है। वह हमारे बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो ये काम हमें नहीं करना चाहिए कि बच्चे पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। सभी बच्चों की क्वालिटी अलग होती है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को सही रास्ता दिखाना पेरेंट्स का काम होता है। हमें अपने बच्चों के साथ कुछ ना तो कुछ गलत करना चाहिए और ना ही दूसरों को करने देना चाहिए। बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चे को आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते रहना चाहिए। अगर हमारे बच्चे से कोई काम गलत हुआ है या वह नहीं कर पा रहा है तो एकदम से डांटने पीटने नहीं लगना चाहिए, ना ही दूसरों से कंपेयर करें। हो सकता है हमारा बच्चा एक बार में नहीं तो दो या तीन बार में उस काम को अच्छे से कर पाए, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे का जो फ्यूचर है वह बहुत अच्छा रहेगा। बच्चा हमारा मेंटली स्ट्रांग बनेगा और हमारे और बच्चे के आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वह काफ़ी अच्छी रहेगी और बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बनेगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा लीजिए ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।